ये मैं एक दिन ऐसे ही सर्च कर रहा था, गूगल में सर्च किया कि ऑनलाइन ट्यूशन कौन प्रोवाइड करता है, तो मुझे GuruQ मिला सबसे ऊपर। देन मैंने उसमें लॉगिन कर दिया, रजिस्टर कर लिया अपना आपको। रजिस्टर करते वक्त कोई दिक्कत नहीं आई, रजिस्टर किया उसके बाद कुछ क्वेश्चंस आए, उसका जब मैंने जवाब दिया देन वो सबमिट हो गया। GuruQ के बारे में बेसिकली पता चला, मैं कंप्यूटर, जैसे कि मैं कंप्यूटर बैकग्राउंड से हूँ और मैं नेट सर्फ करता रहता हूँ, तो मुझे चाहिए था कि कोई ऑनलाइन जो प्रोवाइड करे, स्टूडेंट और टीचर के बीच में रिलेशन प्रोवाइड करने वाला हो। तो मैं सर्च कर रहा था, देन मुझे सबसे ऊपर GuruQ का मिला और वहीं से मैंने अपने आप को रजिस्टर्ड किया। यहाँ से सर्च करते हुए मैंने क्या था, ऑनलाइन ट्यूशन, ट्यूशन किया था मैंने। लगभग 5 to 6 मंथ बिफोर मैंने किया था रजिस्टर्ड के साथ। नहीं, कोई टफ नहीं था, बहुत आसान था रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, कोई दिक्कत नहीं थी इसमें। और अच्छा था, इनका प्लेटफॉर्म भी ठीक है, क्योंकि मैं कंप्यूटर बैकग्राउंड का हूँ तो मुझे पता है कि क्या होनी चाहिए, यूजर फ्रेंडली क्या चीज़ होनी चाहिए, वो चीज़ें प्रोवाइड करती है ये साइट। हाँ, बिल्कुल इजी टू यूज है, यूजर फ्रेंडली है ये, इसमें कोई ऐसा नहीं है। बिल्कुल, मैंने अपना शेड्यूल क्रिएट किया और अच्छा है ये, स्टूडेंट और टीचर दोनों के लिए बेटर है, बेनिफिशियल है। और प्लेटफॉर्म अच्छा है, इजी टू अंडरस्टैंड है, ऐसा नहीं है कि आप कोई मुश्किल है कि आप नहीं समझ सकते, कोई भी नया यूजर भी जाके यूजर इसको कर सकता है। मैं जब क्लास लेता हूँ तो मैं इनको कहता रहता हूँ, बच्चों को अपने तरफ से एडवाइस देता ही हूँ, क्योंकि मैं कॉलेज में हूँ तो मुझे पता है। और मैं इनको जब एडवाइस देता हूँ तो मे बी ये रजिस्टर करेंगे, तो मैं तो देता रहता हूँ एडवाइस कि आप ऑनलाइन ट्यूशन की अगर आप ज़रूरत हो तो GuruQ इज़ द बेस्ट। डिफरेंट तो हर एक चीज़ अलग अलग अपना अपना डिफरेंट है। ज़्यादातर अगर आप इन फ्रंट ऑफ स्टूडेंट अगर आप लेक्चर देते तो वो बेटर है, मुझे तो वो लगता है, क्योंकि सामने से आपकी क्वेरी आती है, विद इन अ सेकेंड आप सॉल्व करते हैं। अच्छा है कि आप, हम दूर दूर से स्टूडेंट के साथ टीचर रिलेट कर पाते हैं। तो ऑनलाइन ट्यूशन तो आज के ज़माने में तो सारे टेक्निकल लोग हो गए हैं, तो ऑनलाइन ट्यूशन तो बहुत अच्छी चीज़ है और होने भी चाहिए।